अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम 24 जनवरी 2021 को हुआ था उसके रिगार्डिंग लोकेशन एंड पोजीशन प्रेफरेंस का फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे लोकेशन एंड पोजीशन का प्रेफरेंस मांगा गया है। आपको यहाँ पर लोकेशन एंड पोजीशन प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लॉगिंग, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपने जो पोजीशन भरी है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। यहाँ पर टोटल 6 पोजीशन शो हो रही हैं। आपको इन पोजीशंस को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं CHSNKMC स्टाफ नर्स KMC के लिए यहाँ पर मैं अपडेट पोजीशन प्रेफरेंस को फिल करूँगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट पोजीशन प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोजीशन प्रेफरेंस फिल करना है। यहाँ पे मैंने पोजीशन प्रेफरेंस फिल कर लिया है। अब मैं इसे कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करती हूँ। सबमिट करने के बाद अभी भी ये पेंडिंग दिखा रहा है, इसलिए अब हमें यहाँ पे अपडेट लोकेशन प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग लोकेशन को चूज़ करना है कि कहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं। स्टाफ नर्स KMC के लिए यहाँ पर टोटल 27 लोकेशंस के लिए प्रेफरेंस मांगा गया है। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसे फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करके इसे फाइनली सबमिट कर दूँगी। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन और लोकेशन के लिए प्रेफरेंस दे दिया है। इसी तरह से आपको जितनी भी पोजीशन दी गई हैं उनमें आपको इसी तरह से लोकेशन और प्रेफरेंस पोजीशन का प्रेफरेंस इसी तरह से आपको फिल कर लेना है। सारी पोजीशन फिल करने के बाद इस तरह से आपको डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है और आपको एक बार फिर से अपने फॉर्म को पूरा चेक कर लेना है। अगर कहीं पर पेंडिंग लिख के आ रहा है तो आपको वहाँ पे लोकेशन और पोजीशन प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद आपको अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है।